शिक्षा संकुल में रीट भर्ती को लेकर बैठक, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में मीटिंग, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। जिला कलेक्टरों को निर्देश दे देंगे कि उनको एग्जाम किस तरीके से पारदर्शिता के साथ में कंडक्ट करानी है। 4000 से कहीं अधिक सेंटर बने हैं, 25 लाख के लगभग दोनों पारियों में, फर्स्ट पारी और सेकेंड पारी में बच्चे एग्जाम देंगे। सारी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं, कोरोना गाइडलाइन की पालना की जाएगी। आधा घंटे पहले परीक्षार्थियों को आने के लिए जो दिशा निर्देश हर एग्जाम्स में होते हैं वो अलग से जारी किए जा रहे हैं, और जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी और RTO और MD रोडवेज वगैरह 7-8 लोग, एक कमेटी जिला स्तर के ऊपर बनाई जा रही है। वो नोडल, इसका जो सेक्रेटरी होगा वो ADM या जिला कलेक्टर द्वारा नामित RAS अधिकारी होगा। तो ये 8 लोग जिले में किस तरीके से पारदर्शिता के साथ में एग्जाम की जाएगी, कहाँ अति संवेदनशील हैं, कहाँ संवेदनशील हैं, इनकी वीडियोग्राफी की जाएगी। पेपर खोलने से लेकर के वापस जो एग्जाम समाप्त होगी तब तक के लिए वीडियोग्राफी की जाएगी, और जो निर्धारित शुल्क होता है वो, जो मानदेय होता है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा उनको दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ऐतिहासिक एग्जाम है। एक तरीके से आप देखिए 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 31,000 के लगभग टीचर इससे पात्र हो जाएंगे, इस एग्जाम के बाद में वो पात्र हो जाएंगे, उसके बाद में उनका सिलेक्शन होगा। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में 31,000 जो बच्चे हैं उनको नौकरी का जो सपना उन्होंने लिया है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको सबको, बच्चे कल बैठे थे, 2 दिन पहले ही एग्जाम थी, उसमें भी हमने कोरोना गाइडलाइन की पालना की है, जो बैठने की व्यवस्था भी, जो सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी है उसकी पालना है, सब मास्क लगा के आएंगे, मास्क नहीं होगा तो वहाँ पर मास्क भी दिए जाएंगे, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है, आगे पीछे उनको एक साथ झुंड में नहीं आए, झुंड में नहीं जाएं, इसके भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो 8 आदमियों की कमेटी है वो पूरी तरीके से ये सुनिश्चित करेगी कि कहीं कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना नहीं हो, और कोई बच्चा समय पे आ गया हो तो वो परीक्षा से वंचित नहीं हो, और किसी भी तरीके से उसके साथ में कोई दिक्कत नहीं हो, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग देखें। हर एग्जाम में देखने का आता है कि जब रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो एक साथ एक सीरीज से रजिस्ट्रेशन का सेंटर भी एक जगह आता है, ये शिकायतें कई बार होती हैं। देखिए, ये नोडल एजेंसी जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसको तय करना है, लेकिन कंप्यूटर से कैसे पारदर्शिता के साथ में हो, इसके लिए हमने आज ही एक कमेटी गठित कर दी है इसको लेकर के, ACS महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें निदेशक माध्यमिक शिक्षा जो खुद ITNs हैं ये भी होंगे, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो सेक्रेटरी चेयरमैन और जो कंप्यूटर वाले NIC के जो स्टेट हेड हैं वो भी रहेंगे। तो ये सारा ये देख लेंगे कि कहीं इस तरह से पारदर्शिता के साथ में एग्जाम हो, कहीं किसी तरह की सख्त सुबह नहीं हो, इस बात की सुनिश्चितता करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बोर्ड की प्रक्रिया है जो सामान्यतः 10 दिन पहले, 8 दिन पहले या 7 दिन पहले, जैसा भी होगा, तो ये इनका काम है, इसमें ये डिस्कशन का कोई विषय नहीं है कि कितने दिन पहले, लेकिन उचित समय दिया जाएगा। नहीं, ये इससे तो वंचित रह जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, ये सब चीज़ें हम लोग सुनिश्चित करेंगे, और यथासंभव टीचर्स की ये देखेंगे कि उसने डबल डोज लगा रखी है, यथासंभव यथासंभव। नहीं, देखिए ये 4 डिस्ट्रिक्ट उनसे मांगे हैं, तो यथासंभव ये होगा कि उनको थोड़ा नज़दीक मिले, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, बाकी तो ये कंप्यूटर से होगा, तो कंप्यूटर से होगा तो मतलब इन 4 के अलावा भी बच्चा जा सकता है या खुद के जिले से बाहर भी जा सकता है, लेकिन चेयरमैन जी का और सेक्रेटरी का ये कहना है कि हम लोग ये प्रयास करेंगे, तो ये सब चीज़ें होंगी तो कंप्यूटर से, इनमें किसी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो गाइडलाइन ये बनाएंगे उस गाइडलाइन को फॉलो जो है वो कंप्यूटर करेगा। थैंक यू।
शिक्षा संकुल में रीट भर्ती को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक खत्म हुई और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में ये पूरी मीटिंग हुई। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली भी इस दौरान मौजूद रहे। परीक्षा को लेकर अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की। 26 सितंबर को आयोजित होनी है ये परीक्षा। 31,000 पदों के लिए आयोजित होनी है रीट। पहले 3 बार स्थगित हो चुकी है ये परीक्षा। संक्रमण कम होने से इस बार परीक्षा होने की उम्मीद है। और जो देखिए, जो 2.5 साल में हमारी सरकार ने काम किए, अच्छे काम किए, कोरोना का मैनेजमेंट वो शानदार तरीके से किया है, गांव में अच्छे विकास हो रहे हैं, बजट अच्छा गया है, और जो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने का मुद्दा हो, या किसानों के 3 काले कानूनों का मुद्दा हो, जो लोगों से संबंधित थे, किसानों से संबंधित थे, उनके ऊपर जो केंद्र सरकार सही काम नहीं कर रही थी या काले कानून लेकर के आई थी, उसको भी हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर पार्टी के लेवल पे उठाने का काम किया है। और जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार किसान और गरीब और बच्चों के हित में काम नहीं कर रही है। न कोई ग्रामीण विकास के लिए वो लोग बाग कोई योजना लेके आ रहे हैं। जो पानी की स्कीम है उसमें भी वो 50-50% कर दिया, जबकि यूपीए में 90-10 का रेशियो था। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस के पक्ष में ये जो मतदान हुआ है। कौन कर रहा है बाड़ा बंदी? कौन कर रहा है? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, कौन कर रहा है बाड़ा बंदी? कोई शुरू नहीं हुई है, कोई बाड़े बंदी की जरूरत नहीं है। वो तो जो जीतने वाले लोग हैं वो एक जगह तो इकट्ठे होते ही हैं, बैठते ही हैं।